स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एस्ट्रो टीम में। आज के शो साइंस थर्सडे में हम बात करेंगे बायोगैस पावर प्लांट के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो बायोगैस के बारे में आपको यह समझना होगा, जब भी एनारोबिक डाइजेशन होता है, मतलब कोई भी चीज़ सड़ता है लेकिन अगर वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन को आप सील कर दिए या मान लिया ज़मीन में दाब दिए हैं या कुछ भी कर दिए हैं, बहुत सारे चीज़ से ढक दिए हैं, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाने से उसको हम लोग एनारोबिक डाइजेशन कहते हैं। मतलब समझिए, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन के बाद हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, प्लांट भी यही करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ देता है बाहर। तो ये ऐसा ही हो रहा है, बस अगर आप ऑक्सीजन हटा दे रहे हैं तो आउटपुट जो है, मतलब जो छोड़ रहा है सांस, जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर छोड़ रहा है, वो मीथेन छोड़ने लगता है। तो इसीलिए कभी भी कोई आपको बायोगैस बोलता है, मीथेन इसलिए नहीं बोलता कि बायोगैस में बहुत सारे चीज़ मिक्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि बायोगैस बोला तो उसमें 100% मीथेन है, सो बहुत सारी चीज़ मिक्स है। तो मिक्स में क्या क्या है, सबसे पहला तो है मीथेन, जिसके लिए हम लोग उसको बायोगैस कहते हैं। तो उसमें काफ़ी कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है क्योंकि ऑक्सीजन आप 100% तो हटा नहीं सकते। उसके बाद आता है कि इसमें थोड़ा सा H2S होता है, जो कि एक थोड़ा सा सल्फाइड टाइप कंपाउंड है, मतलब इससे थोड़ा बच के रहना चाहिए। दूसरा आप ये समझिए कि अगर इससे आप ऊर्जा बनाते हैं, आप अपने शहर को चलाने की कोशिश करते हैं, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड आप ऐड नहीं कर रहे हो। आप जब जला रहे हो मीथेन को, तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड छूट रहा है वो दोबारा ऑर्गेनिक मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेगा। ये एकदम सीधा सीधा बायोमास पावर प्लांट जैसा है, जिस पर मैंने वीडियो बना चुका हूं। तो आपको कुछ सोचना नहीं है, आपको इसको जलाने से कोई नुकसान नहीं होने वाला पर्यावरण को, और इसका सोर्स तो आपको पता ही, गाय माता तो है ही हमारी। तो हमारे इतना इंटरेस्ट क्यों है इसके पीछे, सबसे पहले ये समझिए, ये हम लोग 1980 से कर रहे हैं, मतलब उससे भी पहले से किया जा रहा है, मतलब ये काफ़ी टेस्टेड, आसान, सरल चीज़ है। मतलब कोई होशियारी नहीं करना है, कोई PhD नहीं चाहिए, कोई सिलिकॉन टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, एकदम सिंपल सरल चीज़ है, एकदम कुछ सोचना ही नहीं, एकदम सीधा और सरल चीज़ है। और इससे जो कचरा निकलता है वो बायो फर्टिलाइज़र होता है, मतलब उसको लिटरली आप खेत में डाल सकते हैं, उससे आपकी उपज बढ़ जाएगी। तो ये सब तो ठीक है, इसका दूसरा एक फ़ायदा होता है जो कि किसी इंजीनियर के लिए काफ़ी अच्छी बात है, कि जैसे अगर आप किसी इंजीनियर से पूछेगा कि हमको एक कोयला का पावर प्लांट बनाना है, बोलेगा ठीक है कितना बड़ा बनाना, बोलिए आप 2 किलोवाट का बनाना है, अपने घर में हम रखना चाहते हैं, बोलेगा नहीं बनेगा उतना, क्योंकि 2 किलोवाट में वो बहुत ज़्यादा माइलेज ख़राब देगा, मतलब आपको 10 किलो डालिएगा तो जाके 2 किलोमीटर ले। लेकिन आप बोलिए हमको 100 मेगावाट का बनाना, हाँ आप बात करेगा 1000 मेगावाट, वो बड़ा बनाने पे इफ़िशेंट ज़्यादा हो जाता है। तो इसी केस में बायोगैस के साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप बड़ा से बड़ा बना सकते जो कई मेगावाट दे, और छोटा से छोटा बना सकते जो 1-2 किलोवाट दे। तो इसके मामले में आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। तो ये समझिए, छोटे से छोटा बनाया जा सकता है, बड़े से बड़ा बनाया जा सकता है, सीधा है, आसान है। और इससे जो कचरा निकलता है वो फर्टिलाइज़र है, जैसे कि बायो मास पावर प्लांट में आप जलाएंगे तो आपको सिर्फ राख निकलेगी अदर एंड में, मतलब राख से ही आपको काम चलाना पड़ेगा, कुछ और उसका कर नहीं सकते। इसमें राख की जगह फर्टिलाइज़र मिल रहा है, तो यही है दोनों के बीच का सबसे बड़ा अंतर। तो ये काम कैसे करता है, आपको ये समझना होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है, जैसे कि बहुत छोटे जीवित चीज़ होती है, वो जब भी कुछ करती है, जैसे कि मान लीजिए आप LG तो सुनते ही होंगे, ये सब कुछ भी करता है तो उसका आउटपुट निकलता ही है। तो ऑक्सीजन लैक इन्वायरमेंट में खास तरह के माइक्रोबियल लाइफ स्टार्ट करने लगते हैं डाइजेशन। अब वो डाइजेशन जो करते हैं, उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर वो ऑक्सीजन के बिना कर रहे हैं तो वो जो भी अगल बगल मौजूद है उसको करने लगता है। तो कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ में जनरली कार्बन होता ही है, हाइड्रोजन इधर ना उधर से निकल ही जाता है, हाइड्रोकार्बन से काफ़ी ऑर्गेनिक चीज़ बने। तो आप समझिए आउटपुट में ये लोग सीधे हाइड्रोकार्बन देने लगते हैं, जो कि मीथेन के फॉर्म में निकलता है। तो आपको कुछ समझना नहीं है इसके बारे में, आप बस इसमें आप सड़ा रहे हो, लेकिन ऑक्सीजन से दूर रख के सड़ा रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, ये जहाँ पे भी सड़ा रहे हैं आप, ये ठंडा नहीं होना चाहिए, ये इसको थोड़ा गर्म तापमान चाहिए, मतलब 100 डिग्री नहीं, लेकिन इसको कहिए 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहना ज़रूरी है। मतलब जितना ये वार्म रहना चाहिए, मतलब थोड़ा सा सुसुम टाइप रहना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, सुसुम टाइप एनवायरनमेंट, ये काफ़ी अच्छे से काम करता है। दूसरा, इससे जो गैस निकलता है उससे H2S जो है उसको निकालना पड़ेगा, आपको स्क्रबर से डालना पड़ेगा। तो स्क्रबर फैंसी से फैंसी भी आता है, जो इंडस्ट्री स्केल में यूज़ किया जाता है, छोटे से छोटा भी आता है, जिसमें आप बस एक पाइप बना लीजिए, जिसमें खूब सारा जो स्टील से बर्तन धोने के लिए होता है, स्टील वूल को ठोक के भर दीजिए, तो उसका आयरन जो है वो एब्जॉर्ब करते चला जाएगा। तो आपका स्क्रबर लगाना पड़ता है इसमें।
और स्क्रबर से हम लोग वही H2S को निकालते हैं। तो ये एक सीधा सीधा डायग्राम है जो आप अपने स्कूल के बुक में भी देखे होंगे, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं होता है। आप यहाँ पे गोबर है या कचरा है, जो भी इंसानी टट्टी से भी किया जा सकता है, उसको आप डालेंगे एक डाइजेस्टर में। डाइजेस्टर में बस ये ध्यान रखिए कि ये सील होना चाहिए, हर हालत में इसका सील रहना ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन लीक किया तो आपका काम खत्म, क्योंकि आपको सिर्फ CO2 निकलेगा, मीथेन नहीं निकलेगा। तो वो किया सील, इस जनरली इसको पानी के नीचे बनाया जाता है, ज़मीन के नीचे बनाया जाता है, पानी से सील किया जाता है ताकि कुछ भी हो जाने पे लीक ना हो। तो जैसे जैसे वहाँ बायोगैस बनता जाएगा, वो प्रेशर डालते जाएगा, वो प्रेशर डालेगा, वो आपका एक आउटपुट जो है, उस आउटपुट में आपको स्लरी निकल जाएगी, जो स्लरी से आप आराम से खेती कर सकते हैं। तो ये सब करने का सीधा तरीका, इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी, कोई फैंसी चीज़ नहीं चाहिए। हाँ, लोग करते हैं, फैंसी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है ताकि मतलब इससे जो उपज निकल रही है, जितना मीथेन आपको निकल रहा है, वो ज़्यादा निकलने लगे। तो कोशिश किया जाता है कि जैसे कई जगह पे डाइजेस्टर, खास करके ठंडे जगह पे इसमें हीटर लगाया जाता है ताकि डाइजेस्टर जो है ठंडा ना हो जाए डाइजेस्टर को, क्योंकि 30 डिग्री सेल्सियस से हमेशा ऊपर रहना है। तो ऐसे काम करता है। तो इससे कुछ नुकसान भी है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप एकदम परफेक्ट चीज़ है। इसका नुकसान, सबसे बड़ा जो नुकसान है कि इसका सोर्सेज जो है, मतलब कहाँ कहाँ से इसके मीथेन पैदा हो रहा है, बहुत जगह है, मतलब कि लैंडफिल जहाँ पे कचरा पस डाल देते हैं। तो सारा कचरा तो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, लेकिन बहुत सारा बायोडिग्रेडेबल होता है। जो बायोडिग्रेडेबल है वो अब चूँकि दब चुका है, अब लैंडफिल में डाल डाल के दबाते जा रहे हैं, वो जब दब चुका है तो वहाँ से भी वो सड़ने लगता है, जब सड़ जाता है तो वो मीथेन निकालता है। अब उसको आप कलेक्ट कीजिए, ठीक है, चलो एक जगह आ गया। दूसरा आ गया कि डेयरी फार्म, जैसे कि अपना गाय का या दूध का फार्म सब जो है, वहाँ से आप कलेक्ट कीजिए, ठीक है, दो जगह हो गया। तीसरा, जहाँ पे भी कोई कॉलोनी है, बड़ी सी कॉलोनी में मतलब कर रहा हूँ, जैसे खास करके ऊंची ऊंची बिल्डिंग में जहाँ पे 100, 200, 500 फैमिली रहती है, समझिए कितने लोग होंगे जो वहाँ डेयरी टट्टी कर रहे हैं, और उससे भी बहुत मीथेन निकलता है जिसको हम लोग कभी यूज़ ही नहीं किए। तो बहुत सारे सोर्स को जोड़ने के बाद आपको पूरा मीथेन का कलेक्शन मिलेगा। तो ये इसका सबसे बड़ा झंझट है कि एक बड़ा प्लांट नहीं बनाया जा सकता, मतलब आपको हर जगह पे अलग अलग बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई एक गांव में आपको मिला कि खूब सारे गांव मतलब ये है गौशाला, खूब साला है, तो आप ये कर सकते हैं कि ठीक है, ये सारे लोगों को बोलिए आप अपना छुटपुटिया मत बनाओ, क्योंकि छोटे छोटे उतने इफिशियंट नहीं होते, मतलब उतना सही तरीके से काम नहीं करते। तो उनका सबका आप कलेक्ट कीजिए, मतलब एक छोटे गाँव में ही कीजिएगा, बहुत बड़ा कीजिए आने जाने में ही आप बहुत बर्बाद कर दीजिएगा ऊर्जा। कलेक्ट किया, अब एक बड़ा सा मतलब बायोडाइजेस्टर बनाए जिसपे एकदम सब चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है, एकदम हर चीज़ मेंटेन कर रहे हैं, तापमान एकदम पूरी तरह से, स्क्रबर बहुत अच्छा से लगाएं, तब आपको ज़्यादा ऊर्जा मिलेगा, आराम से आप काम कर सकते हैं। तो स्क्रबर भी जो लगता है इसमें, ये थोड़ा महंगा चीज़ है, ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आँख मूंद करके आप खरीद लीजिए और ज़िंदगी भर चलता रहेगा, क्योंकि आयरन जैसे जैसे निकालता जाएगा, H2S निकालता जाएगा, वो धीरे धीरे ख़त्म होते जाएगा। तो ये समझिए फ़िल्टर थोड़ा आपको मतलब बार बार बदलते रहना पड़ेगा। दूसरा, ये पावर बहुत कम देता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी कॉलोनी है, बड़ी सी ऊंची सी इमारत है, उसमें खूबसूरत मान लीजिए 500 परिवार रह रहे हैं, आप उसका कलेक्ट कीजिए, कितना गैस निकलेगा? गैस तो बहुत निकल रहा है, लेकिन उससे अगर आप मान लीजिए बिजली चलाना चाहते हैं, मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि ठीक है हम कलेक्ट करेंगे और एक दिन का मतलब जब कलेक्ट पूरा हो जाएगा, जब गैस मेरा फुल हो जाए, तो हम बिजली बंद करके अपना जनरेटर चलाने लगेंगे, ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन मतलब कहीं एक महीने पर आपको करीब 2 से 3 दिन का ही बिजली निकलेगा। तो साल भर में कीजिएगा, अगर अच्छे से कीजिएगा तो आपका ऐसा हो सकता है कि आप एक मतलब एक महीने का पूरा बिजली आपको देना ना पड़े। तो हाँ, ये काफ़ी बड़ी बात है, मतलब जो भी लोग बड़े बड़े घर को संभालते हैं जहाँ पे खूब सारे लोग रहते हैं, उनको पता है बिजली का बिल बहुत आता है, कई सौ हज़ार मतलब कई हज़ार रुपये तो ऐसे ही फ्री फंड का लगता है। तो वैसे हालात में आप ये बोलिएगा कि टट्टी को जो कि आपको मेंटेन करना है, जिसका आपको सेप्टिक टैंक बनाना है या सूएज में डालना है, हज़ार को झंझट की जगह आप उससे बायोगैस निकाल रहे हैं, तो आपका एक झंझट वो ख़त्म हो जा रहा है। उससे आप बिजली निकाल ले रहे हैं, वो भी एक झंझट खत्म हो जा रहा है, प्लस उससे जो कचरा निकल रहा है वो भी आप बेच सकते हैं मार्केट में फर्टिलाइज़र की तरह। तो समझिए प्रॉफिट प्रॉफिट उसके ऊपर प्रॉफिट। और मीथेन के बारे में एक बात आपको समझना पड़ेगा कि CH4 अगर पर्यावरण में लीक हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड से जो आप सुनते हैं ना ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, मीथेन इतना पावरफुल है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड उसके सामने लगेगा बच्चा रो रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जितना गर्मी फंसा सकता है, मीथेन उतना गर्मी आँख बूंद करके 5 सेकंड में फंसा देता है। मीथेन बहुत हाई लेवल का चीज़ है, मीथेन को जलाना ज़रूरी है। मीथेन जलाने के बाद क्योंकि सिर्फ एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और 4 वाटर वेपर निकल मतलब 4 वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड वो सिर्फ एक छोड़ रहा है, इसलिए उसको जलाना ज़रूरी है, कंपलसरी है हमारे पर्यावरण के सेफ्टी के लिए, वो ज़रूरी है कि मीथेन जला दिया जाए। तो वो करना ज़रूरी है, आपको ये बात समझना होगा कि ऐसा करना ज़रूरी है।
दूसरा ये जो उससे जो मन्यूर निकलता है उसको आँख बूंद करके आप कहीं पर भी नहीं डाल सकते। जो लोग आप लोग में से बागवानी करते हैं उनको पता होगा कि गलत फर्टिलाइज़र अगर आप गलत चीज़ में डाल दिए वो सीधे जल जाएगा या मर जाएगा। मतलब ज़मीन में एक लेवल होती है जैसे हम लोग कहते हैं पीएच लेवल, एसिडिटी कितना है या बेसिक कितना है, वो भी बैलेंस होना चाहिए। और मतलब जो फसल आप उगा रहे हो उसके हिसाब से बैलेंस करना, तो फर्टिलाइज़र बस लेकर डाल नहीं देना आँख बूंद करके, आपको थोड़ा सा उस पर पढ़ाई करना होगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि, या जैसे मान लीजिए आप कोई बंजर ज़मीन पर डाल रहे हैं तब आपको कुछ नहीं सोचना है, लेकिन ज़मीन जहाँ पर आपको फसल उसल उग रहा है वहां पे थोड़ा सोच समझ के थोड़े शांति से आपको काम लेना पड़ेगा। और देखिए पावर बहुत ज्यादा मिलता नहीं, तो इतना बड़ा बायोगैस बनाया तो एक चूल्हा जल रहा है छोटा सा और भी सिर्फ कुछ ही देर चलेगा। तो खाना आप बना सकते हैं लेकिन ऐसा मत उम्मीद कीजिए कि आप बायोडाइजेस्टर लिए आपको कभी एलपीजी नहीं खरीदना पड़ेगा, वैसा नहीं होगा। हाँ वैसा आप तब कर सकते हैं जब हॉस्टल में खूब सारे लोग हैं, तब आप हॉस्टल का खाना आप निकाल सकते हैं। तो आप ये समझिए कि हम लोग गोबर को तो खूब यूज़ कर रहे हैं, तो भविष्य में हम लोग को इंसान को भी यूज़ करना पड़ेगा। अब तो बड़े 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 इमारत जब बनने लगे तो ये सब करना अब ज़्यादा आसान हो गया है। और उसमें तो आप देखते ही होंगे काफ़ी सारे मतलब मेगा मेगावाट के जनरेटर तो लगाए जाते हैं बैकअप के लिए, तो जनरेटर ऑलरेडी है। इतने सारे लोग का कचरा एक ही जगह पर आ रहा है जो कि आराम से आप अलग कर सकते हो, आराम से उस पर मतलब आप डाइजेस्टर लगा सकते हो। तो ये करना काफ़ी ज़रूरी है कि इंसान का भी कचरा अब इसमें इस्तेमाल किया जाए, सिर्फ गोबर से काम नहीं चलेगा। क्योंकि आप ये भी समझिए मीथेन को हर हालत में हम लोग को जलाना है, मीथेन को ऐसे छोड़ नहीं सकते, कुछ भी हो जाए मीथेन छोड़ा नहीं जा सकता पर्यावरण में। तो इंसान का कॉम्प्लेक्स जो भी जहाँ पे भी खूब सारे लोग रहते हैं, जैसे हॉस्टल हुआ, पीजी हुआ या कोई बहुत बड़ा मतलब बेस हुआ, वहाँ पे इस्तेमाल करना ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। दूसरा, बेंगलोर में हाल फिलहाल में काफ़ी तरक्की आ गई है जिसमें मैं काफ़ी देखने लगा हूँ कि काफ़ी सारे रेस्टोरेंट अपने कचरों को जमा करके एक बंदे को दे देते हैं, वो लोग खूब सारे रेस्टोरेंट का कचरा लेके एक बड़े जगह पे बायोगैस प्लांट बनाते हैं और उससे गरीबों का खाना का चूल्हा चलता है फ्री का। तो और अब छोटे छोटे प्लांट भी आने लगे जो सिंटेक्स टंकी से बनता है, जैसे कि एक फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मतलब सोचिए आदमी के साइज़ का टंकी, ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको ज़मीन खोदना पड़ेगा या बहुत होशियारी करना पड़ेगा। और इसमें ऐसा होता है कि मतलब आप कहिए पूरे हफ्ते का खाने का कचरा, ऐसा नहीं कि मतलब टट्टी कचरा जो मतलब आपके किचन में बन रहा है वो डालते रहेंगे। तो एंड में मतलब जैसे मान लीजिए 5 दिन आप ऐसा किए, छठे दिन का गैस का खर्चा वो निकालते रहे, मतलब कहिए हर हफ्ते में एक दिन वो निकाल रहे, मतलब 50 दिन का गैस आपको फ्री का मिल जाता है। आपका कचरा का भी काम निपट गया, आपको गैस भी मिल गया और उससे उसके साइड जो निकल रहा है वो फर्टिलाइजर है, उसको आप आराम से बेच सकते हैं या अपने ही बागवानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काफ़ी लोकलाइज प्लांट ये काफ़ी अच्छे अच्छे आइडिया है, ये बहुत महंगा भी नहीं है, 10 से 12 हज़ार तक में आ जाता है और आप खुद भी बना सकते हैं। अगर आपका कोई सिंटेक्स टंकी का आपके मान लीजिए कोई आने जा मतलब सीधा उधर पता है, सिंटेक्स का तो पूरा प्लांट आप मिलता है। और इस तरह के काफ़ी सारे छोटे छोटे प्लांट रेस्टोरेंट्स तो काफ़ी फायदे में जाते हैं इसके चलते, एक तो उनका खाना काफ़ी लोग वेस्ट करते हैं, ऊपर से खुद ही खाने का कचरा बहुत बनाने से बहुत सारा कचरा पैदा होता है, तो वो सब को अगर जोड़ के बनाया जाए तो काफ़ी गैस निकलेगा। ऐसा नहीं है कि उनका गैस का खर्चा खत्म हो जाएगा, लेकिन हर महीने मतलब एक साल का पूरा जोड़ेंगे तो आराम से एक महीने का गैस का खर्चा बच जाएगा। और किसी से भी पूछ ले जो रेस्टोरेंट चलाता है गैस कितना स्पीड से ख़त्म होता है, तो अगर आप बोलिए एक महीने का तुम्हारा खर्चा नहीं होने वाला तो लोग बोले भाई मैं करूँगा। तो ये सब तो ठीक है, ये सब तो हम लोग का इम्प्लीमेंट, लेकिन भविष्य में एक नई तकनीक आने वाली है जिसको कहते हैं फ्यूल सेल। आप लोगों ने काफ़ी लोगों को पता होगा फ्यूल सेल जो है वो हाइड्रोजन पे चलता है। हाइड्रोजन प्रॉब्लम ये है कि डेंस होती नहीं है, और हाइड्रोकार्बन जो कि पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, एलपीजी हुआ, एलएनजी हुआ, आपका मीथेन हुआ, हाइड्रोकार्बन पे फ्यूल सेल जनरली सक्सेसफुल नहीं रहा है, लेकिन ये कंपनी उसको सिस्टम को क्रैक कर लिया, इन्होंने एक बनाया जिसको स्टील सेल कहते हैं, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप आराम से वीडियो देख सकते हैं। तो ये सेल में फ़ायदा ये है कि अगर आप कोई भी जनरेटर चला रहे हैं उसमें जितनी भी आप एलपीजी से चलाइए, एलएनजी से चलाइए या मीथेन से चलाइए या बायोगैस से चलाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस सिर्फ जितना मान लीजिए 100 वाट की एनर्जी थी केमिकल में तो आपको जनरेटर की तरफ सिर्फ 20 वाट मिलेगा, मतलब 20% इफिशियंट। ये 50% इफिशियंटी से जा सकता है, मतलब मान लीजिए आप प्लांट पहले बना लिए, सस्ता सा प्लांट बना लिया, सस्ता सा जनरेटर कन्वर्टर स्किट लेके बना दिए, सब चीज़ ठीक है, एंड में आपको कुछ नहीं चाहिए, बस जनरेटर हटा के ये लगा दीजिए, आपको सीधे दुगना परफॉर्मेंस मिलने लग जाएगा। मान लीजिए 10 किलोवाट का था, अब आपको 20 किलोवाट मिलेगा, आवाज़ भी नहीं करेगा। तो और उसके साथ गर्मी भी ये अलग से निकालता है, इसमें गर्मी को निकालना आराम से निकाल सकते हैं, तो वो गर्मी का कुछ भी कर सकते हैं, ठंडे के मौसम में वो गर्मी से आप रूम हीटिंग कर सकते हैं और गर्मी के माहौल में आप उसको ये कर सकते हैं, उस हीटर से एक जिसको कहा जाता है एब्सॉर्प्शन चिलर वो चला सकते हैं, जिससे गर्मी के भरोसे आपको ठंडा मिलने लगेगा। तो
फ्यूल सेल बायोगैस को काफ़ी आराम से इस्तेमाल करने लायक बना सकता है। इससे मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग में इस इंप्लीमेंट करना प्रॉफिटेबल हो जाएगा। जहां वो प्रॉफिटेबल होगा लोग इस्तेमाल करने लगेंगे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन बायोगैस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इससे मुझे काफ़ी मदद मिलेगी। और अगर आपको अच्छा नहीं लगा कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कीजिए। मैं कहूँगा कि आप कॉमेंट लिखिए, अपने विचार हमारे सामने रखिए और आप क्या देखना चाहेंगे अगले एपिसोड ऑफ साइंस थर्सडे में। और मैं कहूँगा अगर आप यहाँ तक देख ही लिए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, आप घंटी भी बजा सकते हैं अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।